तो दोस्तों भारत का उपहास उड़ाना चाइना को बहुत भारी पड़ गया है। जी हाँ, कुछ आंकड़ों के ऊपर अगर हम लोग ध्यान दें तो कुल 3 मामलों में हम लोग चाइना से पीछे थे। हालांकि इन सब की जड़ केवल एक है, वो है इकोनॉमी, पैसा, जिससे आप सारी चीजें अर्जित कर सकते हैं। अगर आज भारत की इकोनॉमी चाइना जितनी ही पावरफुल हो जाए तो हम लोग इनोवेशन में चाइना के बराबर आ सकते हैं, मिलिट्री बजट में चाइना के बराबर आ सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लगभग सभी चीजें हम लोग चाइना के बराबर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल गैप ज्यादा है, चाइना हमसे इकोनॉमिकली बहुत आगे है, तो इस मामले में तो अभी हम लोग पिछड़े हुए हैं उससे। लेकिन बताया जा रहा है कि 2 ऐसे मामले थे जिसमें अब भारत ने चाइना को पूरी तरह से बीट कर दिया है, और बीट ऐसे किया है कि चाइना की हालत खराब हो जाएगी। और ये जो 2 किले भारत ने जीते हैं, ये तीसरे किले की जीत भारत के लिए सुनिश्चित करता है। तो चलिए आगे जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है, किस तरह से चाइना ने उपहास उड़ाया था और भारत ने करके दिखाया। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर हम लोग 2022 की बात करें तो बताया जा रहा था कि उस समय चाइना के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण ये था कि चाइना के अंदर कुल 10 मिलियन लोग ऐसे थे जो कि जॉब करने के लायक थे, पढ़े लिखे थे, योग्य थे, लेकिन उन्हें जॉब्स नहीं मिल पा रही थी। यानी चाइना जो कि दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाता है, वहां पर भी जॉब्स की दिक्कत होने लगी। अब तो बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा और बढ़ गया है और 10 मिलियन के बाद ये 11 मिलियन तक पहुंच चुका है, और शायद इससे भी ज्यादा हो, क्योंकि चाइना के अंदर ट्रांसपेरेंसी चूंकि नहीं है तो बराबर आंकड़े नहीं मिल पाते। कहने का मतलब चाइना के अंदर नौकरियों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अब इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि जो विदेशी कंपनियां काम कर रही थी चाइना के अंदर, उन्होंने सडनली वहां से पैकअप करना शुरू कर दिया। पैकअप करने के पीछे कई सारे कारण हैं, जिनमें अगर आप मोस्टली देखें तो एक तो है कोविड मैनेजमेंट। दुनिया भर के देश कोविड पेंडेमिक से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन चाइना अभी भी कोविड की ही मार झेल रहा है। दूसरों के लिए गड्ढा खोदा इसलिए वो खुद गिरा, ये तो होना ही था। इस वजह से बहुत ही ज्यादा सख्त लॉकडाउन लगा दिए जाते हैं, कभी भी किसी भी कंपनी का गेट बंद कर दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में चाइना के अंदर काम करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात, चाइना के अंदर ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है और बाहर से आई कंपनीज को ज्यादा राइट्स नहीं दिए जाते, ऑब्वियसली क्योंकि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, तो किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। कोई भी नियम कानून बाहरी कंपनियों के ऊपर थोप दिए जाते हैं, जिस वजह से वो परेशान है, उन्हें बाहर निकालना ही है। इसके अतिरिक्त देखा गया है कि चाइना के आसपास वाले देश जो चाइना से परेशान है और इंडस्ट्रीज के मामले में काफी ज्यादा आगे है, वो चाइना को वैसे ही छोड़ना चाह रहे थे, जैसे साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, जापान हो गया, तो ये अपने आप को चाइना से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब का खामियाजा चाइना को भुगतना पड़ा कि चाइना के अंदर जॉब्स क्रिएट हुई ही नहीं नई वाली, और जो लोग बेरोजगार थे वो बेरोजगार ही रह गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत ने इस मौके को कैच कर लिया। अब भारत ने मौके को कैसे कैच किया और कैसे चाइना को पछाड़ा, ये देखिए। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करना दुनिया में सबसे सस्ता पड़ता है। यानी मान लीजिए कि एक स्मार्टफोन है किसी भी ब्रांड का हो, उसे आप भारत में बनाते हैं, इसके साथ साथ दुनिया के कई और देशों में भी बनाते हैं, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है वो भारत में दुनिया के किसी भी देश की तुलना में कम से कम आएगी। अब इसके पीछे कुछ कारण है जो कि भारत ने अर्जित किए और यही चीज चाइना को बीट कर गई। सबसे पहले तो अगर बात की जाए कि स्किल्ड वर्कफोर्स की, तो वो भारत के अंदर बहुत ज्यादा है और काफी कम दामों पर आपको प्रोवाइड हो जाती है। यानी जो वर्कर्स होते हैं वो काफी सस्ते दरों पर किसी भी कंपनी को उपलब्ध हो जाते हैं। दुनिया के किसी भी देश की तुलना में भारत के अंदर सबसे कम रेट्स पर आपको वर्कर उपलब्ध हो जाएंगे। तो जो चाइना बार बार भारत का मजाक उड़ाता था कि आपकी क्वांटिटी चाहे बढ़ गई हो, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आया है, तो वो देख लीजिए यहाँ पर है। इसके अलावा दोस्तों भारत में जो दूसरी सुविधा मिलती है वो है लैंड को लेकर। जी हाँ, कोई भी कंपनी आएगी उसे भूखंड की आवश्यकता होगी, तो भारत में सबसे कम दरों पर भूखंड भी अवेलेबल है। चाइना की तुलना में काफी सस्ते रेट्स पर उन्हें जमीनें मिल जाती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों रॉ मटेरियल, भारत के अंदर रॉ मटेरियल अब हर तरह का इतना ज्यादा बनने लगा है कि उसकी कीमत दुनिया के किसी भी देश से मंगवाए गए रॉ मटेरियल से काफी ज्यादा कम हो चुकी है। तीसरी चीज है दोस्तों वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे, भारत चूंकि बहुत बड़ा देश है, एक्सपोर्ट करना तो आप छोड़ दीजिए, पहले अगर भारत की ही रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी हो तो इसके लिए काफी बड़े वॉल्यूम में आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। और आपको बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज जब बड़े वॉल्यूम में मैन्युफैक्चर की जाती है तो कीमतें अपने आप कम हो जाती है। तो इस वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की नजर अब भारत के ऊपर है, और इससे भारत को फायदा वही होगा जो कि चाइना को नुकसान हो रहा है। यानी भारत के अंदर नई नई कंपनियां आएंगी तो इसके जरिए स्किल डेवलपमेंट होगा भारतीयों का। भारत के लोग वेरियस फील्ड में काम करेंगे जब, तो उन्हें अलग अलग क्षेत्रों का नॉलेज होगा, तो स्किल डेवलपमेंट हो जाती है, जॉब क्रिएशन हो जाती है, बाहर नहीं जाना पड़ेगा रेमिटेंस के चक्कर में, भारत के अंदर ही जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट पहले ही हम लोग काफी ज्यादा बढ़ा चुके हैं, लेकिन इससे और बूस्ट मिलेगा जब दुनिया भर की कंपनियां भारत आएगी। तो
इसके अलावा दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इनोवेशन के चांसेस बढ़ेंगे। कोई भी कंपनी भारत के अंदर आएगी, लाइसेंस वेरिएंट पर कोई भी प्रोडक्ट बनाएगी तो ऑब्वियसली उसकी टेक्नोलॉजी पहले भारत आएगी, उसके आधार पर ही चीजें बनेगी। तो ये सारे इनोवेशन वगैरह और टेक्नोलॉजीज भारत से जुड़ जाएगी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। इसमें बहुत ज्यादा एनहांसमेंट होगी क्योंकि इन सारी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। बिजली, पानी, सड़क, रेलवे या फिर एयर के माध्यम से ले लीजिए, हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज्यादा उन्नत हो जाएंगे। तो दुनिया की कोई भी कंपनी जब भारत के अंदर ऑपरेट करेगी तो उसे सबसे सस्ते दरों पर मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। यही कारण है कि चाइना छोड़कर बाकी सारी बड़ी कंपनियां भारत आने के लिए तैयार हैं। तो एक इस मामले में हम लोगों ने चाइना को पूरी तरह से पछाड़ दिया, जिसके ऊपर चाइना को बहुत गर्व था। अब दूसरी खबर निकल कर ये भी आ रही है कि भारत ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के चलते भी चाइना को बहुत बुरी तरह से बीट किया है। कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि फोन के जरिए हम लोग एक दूसरे के साथ लेन देन कर पाएंगे, लेकिन जो नए आंकड़े निकल कर आए हैं उनके हिसाब से दुनिया भर में होने वाले जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं उनमें से 46% भारत के अंदर अकेले हो रहे हैं। जी हाँ, और अगर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस की बात की जाए तो देखिए भारत नंबर वन की पोजीशन पर है, जहां पर 89.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इसके बाद नंबर चार पर आता है ब्राजील, जहां पर 29.2 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इसके बाद नंबर आता है चाइना का, यानी नंबर तीन पर आ चुका है चाइना, जहां पर 17.6 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इसके बाद नंबर आता है थाईलैंड का, जहां पर 16.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ये चाइना से काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन फिर भी चाइना से काफी ज्यादा नजदीक भी खड़ा है। इसके बाद नंबर आता है साउथ कोरिया का, जिसकी पॉपुलेशन भी काफी कम है, लेकिन फिर भी इन्होंने 8 बिलियन ट्रांजैक्शंस किए हैं ऑनलाइन। तो कहने का मतलब इन सभी मामलों में चाइना बहुत आगे था, लेकिन आज देखिए पीछे है। और ये सारी चीजें और जब बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली जीडीपी के मामले में भी हम लोग चाइना को पछाड़ देंगे।